हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, कभी आपने सोचा है कि यूएसए वाले आपके बारे में सोचते क्या हैं? जी हाँ गाइस, आज का वीडियो यही है कि यूएसए वाले इंडिया के बारे में सोचते क्या हैं। तो गाइस, ये वीडियो अल्बेली रितु नाम की एक ब्लॉगर का है। तो टाइटल तो हमने देख लिया गाइस कि व्हाट डू अमेरिकंस थिंक अबाउट इंडिया। तो अब वीडियो देखने में मजा आएगा कि यार ये अमेरिकंस हमारे बारे में सोचते क्या हैं। तो चलो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते सस्याकाल, कैसे हम सब के हाल। मेरा नाम है ऋतु और अभी मैं न्यूयॉर्क सिटी में हूँ। और जब हम छोटे थे तब से हमें यूएस के बारे में सब कुछ पता है। अबाउट देयर प्रेसिडेंट, अबाउट देयर मूवीज, इनका खाना पीना रहना गाना, अपने को सब कुछ पता है। मतलब मूवीज के बारे में तो पता है। हम अलग करने वाले हैं। मैं इंडियन हूँ और मैं इस पास्ट के अंदर जाने वाली हूँ और इन सबसे पूछने वाली हूँ कि ये हमारे इंडिया के बारे में कितना जानते हैं। मतलब हमारी मूवीज, हमारा खाना, हमारी लैंग्वेज। आज सवाल जवाब हो ही जाए। आई एम होपिंग ये जो क्वेश्चन आंसर आप देखोगे मुझे अंदर जाके आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। हाय एवरीबॉडी, हाय हाय। सो व्हेन यू लुक एट मी, आई एम फ्रॉम इंडिया। व्हाट इज योर फर्स्ट परसेप्शन? ये पीछे कौन है? यार स्लमडॉग मिलियनेयर, मतलब हर किसी को कैसे स्लमडॉग मिलियनेयर ही नजर आता है। कम ऑन गाइस। गाइस वो पीछे कौन है? वो बॉटल क्यों रख के गया वहां पे? इंडिया में अगर कोई ऐसे पीछे बॉटल रख के निकल जाए रास्ते पे तो लोग तो यार पहले समझेंगे कि यार इसमें कुछ गड़बड़ है, इस बॉटल में कुछ गड़बड़ है। या दूसरा साला किक मारने वाले बहुत लोग होंगे, मतलब देखेंगे कि बॉटल है और सबसे पहले वो अपने पैर चलाएंगे। यार अल्बेली रितु ने एक अच्छा काम किया, वो जिसने स्लमडॉग मिलियनेयर का नाम लिया ना, देखो यार उसको वीडियो से ही निकाल दिया उसने। ये अच्छा किया। ये मेरे को समझदार लग रहा है, इसको लगता है बहुत कुछ पता है, देखना पड़ेगा अभी। एशिया सही पकड़ा। Do you know what is the Indian currency? Rupee. You know it quite well. Yes, another correct answer. Okay. Do you know any Bollywood movie, Bollywood song, Bollywood star? I don't. You don't? No. Yeah. तेरा कुछ तो है, नहीं जानता ये। Okay. When I say India, what is that first thing that comes to your mind? Food. यार ये बात मेरे को सही नहीं लगती। मतलब यार हर इंडियन को स्पाइसी फूड पसंद हुआ क्या? मतलब जैसे ही बोला कि डू यू लाइक स्पाइसी फूड, मतलब नहीं यार, हर किसी को स्पाइसी फूड पसंद नहीं होता। कई लोग को यार थोड़ा नॉर्मल खाना भी खाना पसंद होता है यार। भाई का कट गया है, मतलब इसको वो लोग ने सिखाया जहाँ पे ये
जो नैनी का काम करता था इंडियन के घर पे, उन्होंने इसको सिखाया खाना कैसे बनाते हैं, इंडियन फूड। अरे भाई तेरा कट चुका है, तुझे इसलिए सिखाया गया है ताकि तू उनके बच्चों के लिए बना सके। यार ये सही है, मतलब किसी को भी पकड़ के यार ठुमका मरवा लो यार। कल को कोई फिरंगी मुझे आके बोल देगा कि यार तेरे को तो ना मून वॉक करना है, यार कैसे कर पाएंगे हम लोग यार, मून वॉक कैसे होगा यार हमसे। नहीं इतनी लैंग्वेज नहीं आती यार, थोड़ी बहुत आती है। बॉलीवुड को सब जानते हैं। सेक्स अपील ये भाई साहब कहीं और ही है। अरे भाई इंडिया में नहीं है। पार्क तो देखो गाइस, यार हमारे यहाँ पार्क होता है 2 सीटें होती है, छोटा सा ग्राउंड होगा गाइस, उसमें भी कुछ लोग भर भर के भरे होंगे और साला अपने को कहीं निकल ही नहीं मिलेगा। पार्क है भाई। गाइस जो पीछे 2 लोग बैठे उनको देखो, एक बंदा पिज्जा खा रहा है और दूसरा वाला हाथ डाल के बैठा है। यहीं पे अगर वो है, हम इंडियन होते ना तो उसके पिज्जा मतलब ये ना उसका जो जो डब्बे में पिज्जा खा रहा है ना उसको छीन लिया होता और खा रहे होते। यार बेचारा चुपचाप हाथ डाल के खाया जा रहा है, वो उधर खाया जा रहा है और ये भाई साहब ने हाथ ऐसे रख के देख रहा है उसे। चलो एक चीज़ तो यार बहुत अच्छी हुई है वीडियो में, मतलब जो देखने में बहुत मजा आ रही है यार, जीके वीक है यूएसए वालों का। पीछे भाई साहब का हो गया, जाने की तैयारी है, दूसरे वाले को पिज्जा ही नहीं मिला। तंदूरी तो सबको पसंद है। बुक पकड़ के खड़ी है गाइस लड़की, इसको तो गारंटी से नॉलेज होगा इंडिया के बारे में। चलो देखते हैं। सही है पक्का। एक और चीज गाइस, इसका नाम एलेक्स है। अब आप सोचोगे यार एलेक्स तो लड़के का नाम होता है, एक्चुअली मैं मतलब काफ़ी सारी मूवी में देख के अब इसे कंफ्यूज हो जाती है कि यार ये हाफ जो नेम होते हैं वो कैसे रख लेते हैं ये लोग, मतलब एलेक्स तो लड़के का नाम है तो एलेक्स लड़की का भी नाम। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है गाइस कि एलेक्स एलेक्जेंड्रा का शॉर्ट फॉर्म होगा और एलेक्जेंडर का भी शॉर्ट फॉर्म एलेक्स होता है,
तो इन्हें अलेक्जेंडर अगर लड़के का नाम है तो शॉर्ट फॉर्म एलेक्स, और अलेक्जेंडर अगर लड़की का नाम है तो भी शॉर्ट फॉर्म एलेक्स ही होता है। यार फिरंगी लड़की ने नान ठीक बोला, ये अपनी देसी लड़की नान ब्रेड बोल दी वहां पे। यार ये क्या है, नान नान होता है यार, नान ब्रेड बोल दिया। राजधानी के बारे में सबको बताओ। तब भी गाइस इसको देख रहे हो आप किस तरीके से हेजिटेट करते हुए बात कर रही है। इसका जो रूममेट है ना बॉम्बे से, उसने उसको गारंटी से बता रखा होगा कोई भी इंडियन आए आपसे कुछ पूछे इंडिया के बारे में ना, तो ऐसे प्रिटेंड करना कि कुछ आता ही नहीं। देखो ऐसी प्रिटेंड कर रही है। किस तरीके से हेजिटेट करते हुए बंदी आंसर दे रही है। मुझे तो लग रहा है इसका जो रूममेट है ना जो बॉम्बे से है, उसने उसको बता के रखा है कि भाई कोई भी आए इंडिया के बारे में पूछे जवाब नहीं देना, ऐसे दो मतलब उसको पता है, ऐसा लग रहा है सब होगा, लेकिन ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे कुछ नहीं पता, या तो याद कर रही है ऐसे ऐसे और बता रही है। इसको वो बॉम्बे वाले ने अच्छे से बता के रखा है यार, इंडियन जो भी आए ना हो सकता है आपको चूना लगाने की कोशिश कर रहा हो, इसलिए निकल लो भाई पतली गली से। नहीं बताने वाले। यार इतना कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे कि पब्लिक में जा सकूँ और बोल सकूँ लोगों को कि यार ये आपको स्टेप सिखाना है, करोगे मेरे साथ? टिडिंग टिडिंग करो। दिस इज मी, जब भी कोई मुझे कुछ पूछने आता है, अरे भैया ये एड्रेस बता दो, अरे नहीं पता उससे पूछ लो। इसको देखो यार बेचारा फंस गया। नहीं वो देखो सारा प्रेशर इस पे। अब कवर अप कर रहा है भाई साहब। एक्सेप्ट कर लो भाई कि आई एम स्टूपिड, अब कोई पूछेगा ही नहीं सवाल। अब ये इंटेलिजेंट काम किया उस बंदे ने। फिर से स्लम डॉग मिलियनेयर, सब ने स्लम डॉग मिलियनेयर देख रखी है और सबको लगता है कि वो इंडियन मूवी है। अरे भाई भाई फॉरेन डायरेक्टर ने डायरेक्ट की है, हाँ कास्ट इंडियन थी लेकिन यार उसको इंडियन मूवी तो नहीं कहेंगे। सो या ओके या
breakfast bar. Any Indian food that you like? Maybe some curry. Curry. Yeah, curry. You like? Can you name any Indian city or state? Any place in India. Any place in India that you remember? No. देख रहे हो उस लौंडे का कॉन्फिडेंस क्या होगा। एक आंसर दे दिया उसने बेचारा, अब तक उसको लग रहा था कुछ नहीं आता, अब उसने एक जवाब दे दिया, अब पता है क्या होगा यार। अब ऐसा जवाब दे दो ना तो आपको ऐसा लगता है आपको कोई, अच्छा समझ लो आपको मैथ्स टीचर पूछ रहा है, कई टाइम से आपको कोई सवाल पूछ रहा हो, आपको कुछ नहीं आता कुछ नहीं आता, अचानक से आपको एक सम आ जाए, आपको ऐसा लगता है आप मैथ्स जीनियस हो। अब इस लौंडे को भी यही लगेगा कि यार ये तो जीके में जीनियस है, अब ये जाएगा यूएसए का यूपीएससी सॉल्व करने। तो गाइस ये था वीडियो कि यूएसए के लोग क्या जानते हैं हमारे बारे में। यार पहले तो मुझे लग रहा है कि इस वीडियो का नाम होना चाहिए कि यूएसए वाले क्या नहीं जानते। काफी सारे लोग नेपाल को इंडिया में ही ऐड कर रहे गाइस, वाह क्या बात है। और गाइस मैं कह रहा हूँ वो जो लड़की थी जिसका जो रूममेट था वो बॉम्बे वाला था, मतलब मुंबई वाला था, आई थिंक उसने उसको गारंटी से बोल के रखा था कि बहन देख कोई भी इंडियन आएगा और तुझसे कुछ पूछेगा तो उसको मत बताना, वो तेरी फिरकी ले सकता है, इसलिए थोड़ा इधर उधर देखना और उसको ऐसा दिखाने की कोशिश करना कि यार तुझे नहीं पता। मुझे ऐसा लग रहा है उसको काफी नॉलेज थी इंडिया के बारे में। और यार ये स्लमडॉग मिलियनेयर का क्या है भाई, कोई एसआरके की मूवी बता देते यार, क्या फर्क पड़ता है। एसआरके की मूवी तो मतलब कभी ना कभी कहीं ना कहीं पोस्टर वोस्टर या कुछ कुछ तो देखा होगा। नहीं सबको जवाब देना है तो स्लमडॉग मिलियनेयर ही। और गाइस ये डांस का क्या है यार, मतलब अगर मैं पब्लिक में कहीं जाऊँ और कोई मुझे पकड़ के बोल दे भाई आजा तू एक स्टेप कर दे, यार नहीं यार मैं नहीं, मैं भाग जाऊंगा वहां से। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा अलबेली रितु का, अगर अच्छा लगा तो उस चैनल में जाके आप सब्सक्राइब करो गाइज, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे को सब्सक्राइब करो यार। आप वीडियो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, प्लीज करो यार, और वीडियो को लाइक करो शेयर करो गाइज, और मैं मिलूंगा गाइज आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।